रानी। हाँ स्वामी जी। मेरा कहना मानो, जंगल में हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। जब जंगल से आएंगे उसके बाद जी भर की सुहागरात मनाएंगे। ठीक है, बाय स्वामी जी। बाय, आई लव यू। कुछ बात अभी बोलेंगे, कुछ बात जब जंगल से आएंगे उसके बाद बोलेंगे। प्रणाम स्वामी जी। आनंद, खुश रहो। मैं जाऊं? जा। बाय बाय। बाय, आई लव यू। क्या बताऊं आप लोगों को, जब से बड़ी महारानी इस महल से बन गए, इस महल में मुझे एक पल दिल नहीं लगता। बड़ी महारानी की याद नहीं तो मुझे चैन से इस महल में भोजन किए देते हैं, उनकी याद नहीं तो एक पल मुझे नींद आती है। आज जब मैं जंगल जा रहा हूं, जंगल में शिकार खेलेंगे, हो सके शिकार खेलते खेलते अपने बड़ी महारानी की ख्याल अपने दिल से हम बाहर कर सके। मैं इस समय जंगल जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए। अब देखिए जंगल का सीन, बड़ी महारानी किस तरह अपने समय को बिता रहे हैं, कैसे जी रहे हैं।
मैं चलती चलती मैं जंगल पहुंच चुकी हूं। अब मैं इस जंगल में मैं कहां जाऊंगी? ना इस जंगल में किसी को मैं देखती हूं, ना कोई मुझे नजर में आते हैं। जब मैं अपनी माल में रहती थी, मैं अपने स्वामी जी के चरणों में सुबह शाम प्रणाम करती थी, लेकिन आज मेरे स्वामी जी नजरों से दूर है। जिस बाण को मैं लक्ष्मी समझती थी, आज वो लक्ष्मी नहीं बल्कि वो काली नागिन निकल गई। हे देवी माँ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई थे जो मुझे गर्भ से पुत्र नहीं बल्कि मुझे एक पांच औरत बना दिए। अभी पांच औरत के कौन पूछेंगे? अब मैं इसी जंगल में दर दर की ठोकरी खाऊंगी, चलती हुई छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगी, झोपड़ी में आराम करूंगी। हे भगवान, इस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली हूं। अब इस झोपड़ी में मैं इस नगरवासी से भीख दुख मांग कर लाऊंगी और मैं अपनी झोपड़ी में आराम करूंगी। मैं चलती थोड़ी से अपनी झोपड़ी में आराम करूंगी।